जो यहाँ से GNM कर लेते हैं वो वहाँ फिर कैसे जाएं? असीब तो जैसे अपने यहाँ भी जो बच्चे जाते हैं वो एडमिशन तो किसी कोर्स में लेते हैं, वहाँ जाते ही कोर्स चेंज कर लेते हैं, उनका क्या आगे उनको नुकसान होता है PR मिलने में, उनकी जो नंबरिंग कम होती है? पैरामेडिकल के बारे में डिमांड आई है कि पैरामेडिकल के बारे में थोड़ी डिटेल से बताया। अब पैरामेडिकल अपने यहाँ उसका मैं कहूँगा मायना क्या पता लो, वहाँ पे अगर लगा लो कोई ऑस्ट्रेलियन नर्स है ना, कोई लगा लो गोरी है वो जो नर्स का काम कर रही है, जो उसको वेतन मिल रहा है वही हमको वेतन मिलेगा। अगर वेतन की बात करूँ तो मैं 3 से 4 लाख के अराउंड अच्छे से काम करे तो महीने का आराम से बना सकता है 4 लाख रुपये महीने का ना, जो जैसे मिल जाता है। पढ़ाई के साथ कितना हो जाता है उनका? BSc भी कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाई के साथ मान लिया हॉस्पिटल में उनको काम मिल जाता है तो कितना वेतन मिल जाता है? वेतन मैं आपको बताऊं, ये तो वैरी करता है काफ़ी चीज़ों पर, एक तो जगह पर डिपेंड करता है, बड़े शहरों में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ खर्चा भी ज़्यादा है, पर आपको मैं बताऊँ सो $35 के अराउंड बन जाता है। $35 एक दिन एक घंटे का, और वो भी सोमवार की सुबह। ओके, वहाँ आपका जो वेतन है वो आप किस टाइम काम कर रहे हो उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। सुबह को सबसे सोमवार की सुबह सबसे कम, फिर थोड़े से आपके परसेंटेज इंक्रीज होती रहती है। BDS का क्या स्कोप है? BDS मान लिया किसी बच्चे के प्लस टू में 60% नंबर है, प्लस टू मेडिकल से की है, तो वो वहाँ इस वीज़ा इसके नर्सिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, वीज़ा मिल जाएगा? किसी बच्चे ने यहाँ प्लस टू कर ली मेडिकल से, उसके बाद उसने BSc कर ली यहाँ पर, और क्या फिर वो वहाँ नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा? BSc यहाँ MBBS अपने इंडिया में बहुत महंगी हो गई है, 80 लाख 1 करोड़ तक में बच्चे MBBS करें, तो वहाँ से यदि कोई बच्चा MBBS करना चाहे कितना आसान कितना मुश्किल? अगर आप किस फील्ड के PR ज़्यादा लग रहे हैं वहाँ प्रेजेंटली? तो नर्सिंग तो देखो चल ही रहा है शुरू से। अब आपको मैं बताऊं तो और जो छोटे छोटे अपने जो ट्रेड कोर्सेज हैं ना सर, उनका भी अच्छा डिमांड चल रहा है। ट्रेड कोर्स जैसे कि? ट्रेड कोर्स जैसे लगा लो पेंटिंग हो गया जी, डीजल मैकेनिक हो गया, ऑटोमोटिव वाला हो गया, जो अपने यहाँ लगा लो ITI में जो कोर्स करवाए जाते हैं जी उनके, और PR तो लगी रहा है उसमें, साथ में कमाई भी अच्छी होती है। कमाई भी अच्छी होती है ठीक। अब जैसे कोई प्लम्बर आपने घर पे बुला लिया, आपसे वो प्लम्बर 10,000 क्या पता 15,000 रुपये ले जाए 20 मिनट के। आप ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस बारे में आज विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं सचिन दुहन जी, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहाँ नर्स की नौकरी करते हैं, तो इनसे बात करेंगे कि वहाँ क्या स्कोप है, कितना वेतन मिलता है, भारत से लोग नर्सिंग करके वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाके नर्सिंग का कोर्स कैसे कर सकते हैं, विस्तार से बातचीत होगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बात करते हैं। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप इंडिया आए हुए हैं, आपका गांव कौन सा है, जिला कौन सा है? जी मेरा गांव चनत है, तहसील हांसी, डिस्ट्रिक्ट हिसार। ओके, और कितने साल पहले आप वहां गए थे? मैं जी 2019 में गया था, लगभग 4 साल हो गए मुझे वहां जाए, 4 से ज़्यादा हो गए। आप वहाँ मेडिकल में हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करते हैं? नर्स मैं RN हूँ सर वहाँ पे। RN दो, मतलब? दो टाइप के हैं वहाँ पे, एक जो डिप्लोमा करके नर्स है और एक जो डिग्री वाले नर्स है। ओके, आप? मैं RN हूँ, वो डिग्री वाला होता है। डिग्री वाले हैं। तो आप इंडिया से नर्सिंग का कोर्स करके गए थे? हाँ जी, मैंने इंडिया से करी थी, नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, बरवाड़ा हिसार। ओके, वहाँ से की थी मैंने अपनी बैचलर। नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बरवाड़ा, जिला हिसार। हाँ जी, वहाँ से की थी। ओके, यहाँ से नर्सिंग की आपने, BSc नर्सिंग? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ MSc में एडमिशन लिया, क्या किया? सर मैंने तो उस टाइम पे एक छोटा सा 3 महीने का कोर्स होता था, हाँ, उसमें एडमिशन लिया, वहाँ वो कोर्स किया, उसके बाद मैंने स्टूडेंट वीज़ा डाला, उसके बाद फिर मेरे को जो वर्क वीज़ा है, आप PR कहते हो, 1-4। यहाँ से आपका जो वीज़ा लगा था वो वीज़ा किस तरह का लगा था? वो 3 महीने कोर्स का वीज़ा लगा था? हाँ, 3 महीने का, उसमें मेरे को टूरिस्ट वीज़ा लगा था 3 महीने। आप अगर कभी ऑस्ट्रेलिया जाओ कोई स्टडी भी करने जाए तो उसको टूरिस्ट वीज़ा ही देंगे, वो स्टूडेंट वीज़ा नहीं देते। अच्छा, मतलब 3 महीने का देंगे तो टूरिस्ट वीज़ा देंगे, स्टडी वीज़ा नहीं देंगे? नहीं। ठीक है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए? हाँ जी। तो टूरिस्ट वीज़ा पे कैसे गए, वो भी बड़ा मुश्किल लगता है टूरिस्ट वीज़ा भी? सर हमारे लिए भी मुश्किल था, सही बताऊँ तो हमें कोई साउथ इंडिया में कोई बंदा मुश्किलों से मेरे पिताजी ने ढूंढा था, उसने फिर वीज़ा लगवाया था, और जब वीज़ा लग भी रहा था हमें भी लग रहा था कहाँ क्या पता लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मुश्किल से वो एक मेरा बड़ा पॉइंट ये था ना कि मैं ऑस्ट्रेलिया में कुछ पढ़ने जा रहा हूँ। ओके, और मैं इंडिया में मैंने नर्सिंग पढ़ी है, जिस चीज़ की उनको नीड है नर्सिस की, मैं वही कोर्स करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस कारण 19 में गए। सबसे पहले आपने एडमिशन हुआ, 3 महीना कोर्स किया। हाँ जी। उसके बाद?
उसके बाद जैसे ही मेरा वो 3 महीने का कोर्स ख़त्म हुआ, मेरे पास मेरा ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन आ गया नर्स का। उसके बाद मैं वर्क राइट मेरे पास नहीं थे तो फिर मैंने स्टूडेंट वीज़ा लिया, अपने MBA हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट एडलेड के लिए स्टूडेंट वीज़ा लगवाया और फिर मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आगे जॉब भी शुरू करी और पढ़ाई भी शुरू करी। ओके, तो वहाँ फिर आपने पढ़ाई भी की साथ में? हाँ जी, MBA हेल्थ। हाँ, MBA मैंने वहाँ हफ्ते में 2 दिन जाते थे अपने कॉलेज और फिर बाकी 20 घंटे जॉब करते थे। ठीक है, तो कितने दिन बाद आपकी जॉब लगी थी? मेरी सर 1 महीना लग गया था मुझे। अच्छा। हाँ, और जबकि मैं बताऊँ तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के RN था, मैं ऑस्ट्रेलिया का, जो कि मेरे हिसाब से प्रेजेंटली बहुत इजी प्रोसेस है जॉब मिलना। लेकिन उस टाइम पे एक तो पहली बार गए थे, कोई ऐसा नोन था नहीं, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था, और मैं कहूँगा 1 महीने में मेरे को मिल गई, मैं खुश था। Okay. लोगों को 2-2, 3-3 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, और अब आपकी वाइफ भी वहीं नर्स की नौकरी कर रही है? हाँ जी, हम दोनों वहाँ पे, हम दोनों एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब करते हैं। वो हॉस्पिटल में जॉब करती है, मैं एज केयर में कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, तो वाइफ भी यहीं से नर्सिंग का कोर्स करके गई थी? हाँ जी, नेशनल कॉलेज से ही, दोनों ने सेम कॉलेज से किया। अच्छा, था नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बरवाड़ा हिसार। हाँ जी। ओके, ठीक है। तो ये तो जैसे यहाँ बहुत सारे जैसे अपने ये नर्सिंग वाले जो कॉलेज खुले हुए हैं और यहाँ से BSc नर्सिंग बच्चा कर लेता है, तो वहाँ फिर उसको जॉब कैसे मिले फिर, या वो हायर स्टडी के लिए जाए, आसान कैसे रहता है? सबसे पहले तो सर, अगर आप यहाँ BSc नर्सिंग कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट से है और साथ में सेंटर में जो आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उससे भी है क्या? अच्छा, यानी वो वहाँ पे हाँ, सेंटर वाली वो मस्ट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल? हाँ। ओके, उससे एफिलेटेड होना? हाँ, दोनों से होना चाहिए। ओके, क्योंकि आप वहाँ जब ऑस्ट्रेलिया में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आपने जहाँ से की है वो एफिलेटेड है या नहीं। अब अगर आपने, मैं कहूँगा यहाँ से BSc नर्सिंग की है तो वहाँ जाने के प्रेजेंटली 2 तरीके हैं, या तो आप पढ़ाई करने जाओगे मास्टर्स, या आप जो टेस्ट होते हैं नर्सिंग में, NCLEX होता है और OSCE होता है, अगर कोई नर्सिंग से है तो उनको ऑलमोस्ट 99% को पता होगा, वो टेस्ट देने होते हैं वहाँ, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन मिलता है। ओके, अब मास्टर्स है, मास्टर्स में भी ऐसा है सर, एक मास्टर ऑफ नर्सिंग ऐसी होगी जिसकी, जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, एक मास्टर ऑफ नर्सिंग इस टाइप की भी होगी जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, और जिसमें नहीं मिलेगा वो कोई काम की नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। ये पहले पता चल जाता है इसमें आगे रजिस्ट्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, वेबसाइट पे आप चेक करो, वेबसाइट पे क्लियरली लिखा होता है। ओके, तो यहाँ से मान लें BSc करके वहाँ MSc में एडमिशन ले, उसका क्या प्रोसीजर है और वो कितना महंगा है? उसमें इंग्लिश का स्कोर चाहिए होता है आपका 7 इंच, कोई 7 इंच से जो IELTS या PTE का होता है, 3 टाइप के 4 टाइप के इंग्लिश के वो टेस्ट हैं, IELTS, PTE, OET, TOEFL। जो OET एक अपने लिए कॉमन नहीं है वर्ड, क्योंकि ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो करते हैं, थोड़ा आसान पड़ता है, क्यों, उसमें सारा ही मेडिकल से रिलेटेड होता है, क्या चल रहा होता है वो थोड़ा इजी पड़ता है। उसमें इनमें से किसी में भी 7 इंच लें और उसके बाद वहाँ आप अप्लाई करें, अच्छे एजेंट से अप्लाई करें और आपको फिर ये मेन है। और फीस बताऊँ तो फीस आपकी पड़ जाती है लगभग 15 लाख के अराउंड पड़ जाती है 1 साल की, 2 साल का मास्टर्स होता है, वो डिपेंड करता है एग्जैक्ट नंबर कि कैसी यूनिवर्सिटी है, और स्कॉलरशिप का भी आप यूनिवर्सिटी में ही, जैसे भी यूनिवर्सिटी है उसमें आपको पता चल सकता है। ओके, तो ये जो मास्टर करने जाते हैं फिर उनको जैसे BSc तो उनको ऑलरेडी हो रही होती है, तो उनको जॉब मिल जाती है फिर हॉस्टल में जाती है? जॉब अगर आप पहले जैसे मास्टर्स करने, अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो क्वींसलैंड में कर रहे थे मास्टर्स, उन्होंने 6 महीने हुए थे करते हुए, उसके बाद उनको एज केयर में जॉब मिल गई थी। ओके, क्योंकि उसमें क्या होता है सर, सीधे हिसाब है वहाँ पे ऐसे कि अगर आप कोई सब्जेक्ट वहाँ मास्टर्स में पढ़ रहे हो उसकी आपकी प्लेसमेंट लगती है, आप एज केयर का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसकी फिर आपकी प्लेसमेंट लग गई है, तो आप ये शो कर सकते हो कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ भी लिया और प्लेसमेंट भी कर लिया, मेरे को पता है इसका। ओके, तो आपको वहाँ जॉब दे देते हैं। कितना जॉब जैसे मिल जाता है पढ़ाई के साथ, कितना हो जाता है उनका? BSc भी कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाई के साथ मान लिया हॉस्पिटल में उनको काम मिल जाता है, तो कितना वेतन मिल जाता है? वेतन मैं आपको बताऊं, ये तो वेरी करता है काफ़ी चीज़ों पर, एक तो जगह पर डिपेंड करता है, बड़े शहरों में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ खर्चा भी ज़्यादा है, पर आपको मैं बताऊँ सो $35 के अराउंड बन जाता है। $35 एक दिन 1 घंटे का, और वो भी सोमवार की सुबह। ओके,
वहाँ आपका जो वेतन है वो आप किस टाइम काम कर रहे हो उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। सुबह को सबसे सोमवार की सुबह सबसे कम, फिर थोड़े से आपको परसेंटेज इंक्रीज होती रहती है। अब अगर आप लगा लो इवनिंग में काम कर रहे हो आप सोमवार को, तो आपको 40 के अराउंड मिल जाएगा। अगर आप शाम को कर रहे हो तो 42 दे देंगे। अगर आप कोई सैटरडे को कर रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा मिल जाएगा, संडे को उससे ज़्यादा, और एक पब्लिक हॉलीडे होता है जिसमें बैंक वगैरह सब कुछ बंद होता है ऑलमोस्ट, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये सैलरी भी वेरी करती है कि आप कौन सी जगह है, किसी एजेंसी में जॉब कर रहे हो, किसी एज केयर में कर रहे हो, प्राइवेट में कर रहे हो, नॉट फॉर प्रॉफिट में कर रहे हो, वही बात है। जैसे अब मैं हिसार में भी अगर देखूँ तो आप किसी कैसे हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो उस हिसाब से वेरी करता है जी। अच्छा ये एक सवाल वो बीच में रह गया कि जो आप बता रहे थे कि जहाँ यहाँ से जो नर्सिंग करें वो एक तो स्टेट गवर्नमेंट से, एक सेंटर वाले से देखें, जहाँ से आपने की थी नेशनल कॉलेज जो चयनित गांव बरवाड़ा में है, वो हेस्ट सेंटर से भी अप्रूव्ड है? वो सर बरवाड़ा के अपने पास डाणीगण है, वहाँ पे है, वो सारों से अप्रूव है। अच्छा। स्टेट से भी जो आपकी हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का जो अपने देती है उनसे भी, और इंडियन नर्सिंग से भी, इंडियन नर्सिंग से भी एफिलिएटेड है, अप्रूव्ड है वो। हाँ जी, ओके। यानी और यहाँ से कितने बच्चे करके वहाँ जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में? 15-20 तो मेरे नोन हैं। हाँ, 2-3 मेरे क्लासमेट्स हैं। ओके। हमारे टीचर्स भी हैं जो वहाँ पे पहुँच चुके थे। ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा हूँ मैं। यूके से भी मेरे काफ़ी नोन जो हमारे कॉलेज से थे वो यूके भी हैं, कनाडा भी हैं, अमेरिका भी हैं जी। जो जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ काफ़ी नोन है हमारे, हमारे कॉलेज में जो हमारे साथ पढ़ते थे, जो कि आपके कॉलेज से पढ़ के वहाँ गए। हाँ जी, ठीक है। अब मेरे पास है ना कुछ सवालों की बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, इन सवालों पर डिटेल में हम बात करेंगे। पहला तो ये है कि जो इंडिया में नर्सिंग कर लेते हैं उनका वीज़ा कैसे मिले? वीज़ा एक तो जो मैंने आपको कहा स्टडी वीज़ा होता है, स्टडी वीज़ा है। हाँ। वो तो एमएससी करने जाता है। हाँ। वो दो टेस्ट आप बता रहे थे उनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताओ, वो क्या है? दो टेस्ट कैसा होता है सर, अगर मैंने नर्सिंग पढ़ी है इंडिया से, मैं ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ, पहला स्टेप होता है सेल्फ चेक कि भाई मैं बताऊँगा मेरी डिटेल ये है, फिर वो आपसे फीस मांगते हैं लगभग 30,000 से 35,000 रुपये, वो चेक करेंगे, आप डॉक्यूमेंट भेजोगे कि आपने जो जो बताया है वो सत्य है कि नहीं है। उसके बाद वो आपको कहेंगे आप बी स्ट्रीम में आते हो, 3 स्ट्रीम है वहाँ, स्ट्रीम ए, स्ट्रीम बी, स्ट्रीम सी। स्ट्रीम ए में आपके जो ये डेवलप्ड कंट्रीज से नर्सिंग करी हुई है, अगर कोई डेवलप्ड कंट्री से नर्सिंग करके जाता है वहाँ, वो स्ट्रीम ए में। स्ट्रीम बी में बैचलर ऑफ नर्सिंग मैंने अगर इंडिया से करी है, मैं स्ट्रीम बी में आऊँगा। उसके बाद वो मेरे को कहेंगे कि आपको एक एनक्लेक्स टेस्ट देना है और एक ऑस्की देना है। एनक्लेक्स टेस्ट आप इंडिया से दे सकते हो, जहाँ आपके पियर्सन के टेस्ट होते हैं वहीं हो जाते हैं एनक्लेक्स के। आप उसके बाद जहाँ पीटीई का लेते हैं, हाँ, पीटी का जो जैसे चंडीगढ़ है अपने एलएनटे मॉल में है, वहीं पे आपका एनक्लेक्स का भी हो सकता है टेस्ट। ठीक है। उसके बाद जैसे ही अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर देते हो, उस टेस्ट की फीस लगभग आपकी है 20 से 25 हज़ार। ठीक है। जैसे ही आप वो क्लियर करते हो आप फिर ऑस्की होता है, वो लगा लो आपकी क्लिनिकल चेक करते हैं, उसका जाके आपको वहाँ टेस्ट देना होता है वहाँ। हाँ, वो एडलेड में होता है वो। यानी लेकिन वो जो पहले वाला टेस्ट होता था उसके बेस पे आपके वीजा की फाइल लग जाएगी, वीजा लग जाएगा उसका? उसके बेस पे नहीं, जो आप आगे अभी टेस्ट देने वाले हो। हाँ। वो आपको वहाँ से ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी आपको लेटर भेजेगी कि आपका इस दिन का टेस्ट है, आप आ जाओ। अच्छा। आप उस बेस पे टूरिस्ट वीजा लगाओगे। ठीक है। आपका टूरिस्ट वीजा लगेगा, फिर आप वहाँ जाओगे, उस टेस्ट की आपकी फीस है लगभग 2 लाख रुपए, वो डॉलर वेरी करता रहता है, तो आप ठीक है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है जी। $4,000 होती है फीस। आप जैसे ही वो टेस्ट देते हो उसके बाद दो ऑप्शन आ जाते हैं, अगर फ्रेशर है बच्चा, पहले एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ आप कोई और नॉर्मल स्टडी में एडमिशन ले लो ताकि आपको वहाँ वर्क राइट मिले, काम कर सको, आप फिर आगे पीआर अप्लाई कर सको। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है 2 साल से ज़्यादा का है, उस टाइम पे उसके पास ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। 2 साल के बाद आपको वहाँ, अगर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको वहाँ स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जिसको वर्क वीज़ा कहते हैं जी। ये प्रोसेस होती है। जैसे अब काफ़ी मेरे पास मैसेज आते हैं कि वर्क वीज़ा लगवा दो, वर्क वीज़ा कैसे होगा, कैसे कैसे हुआ, ये प्रोसेस होती है वर्क वीज़ा लगाने की। अब कोई आपको क्या पता, कुछ भी आजकल मीडिया में आपको पता ही है, रूमर्स चलती रहती हैं। ठीक है। अच्छी बताओ, जैसे जो वर्क वीज़ा मिल की बात कर रहे हैं, किसी को मिल जाए या वहाँ बीएससी कंप्लीट करके फिर वहाँ जैसे 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, जो बच्चे काम करते हैं उनको कितना उस दौरान वेतन मिलता है महीने? वेतन क्या? वेतन सेम जो वहाँ पे, अगर लगा लो कोई ऑस्ट्रेलियन नर्स है ना, कोई लगा लो गोरी है वो जो नर्स का काम कर रही है, जो उसको वेतन मिल रहा है वही हमको वेतन मिलेगा। अगर वेतन की बात करूँ तो मैं 3 से 4 लाख के अराउंड अच्छे से काम करे तो महीने का आराम से बना सकता है 4 लाख रुपए महीने का। हाँ। और खर्चा कितना हो जाता है फिर उसका महीने का? अगर एक बंदा है अकेला, मैं अगर मैं अकेला रह रहा हूँ तो मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लगा लो 70,000 रुपये। 70,000
आपका उसमें खाना रहना पीना सब आ गया, सब आ जाता है उसमें, किराया विराया सब। हाँ, यानी कि बाकी तो, बाकी तो देखो इंडिविजुअल के ऊपर भी है कि मैं कैसे घर में रहना चाहता हूँ। अब मैं रहना चाहता हूँ अकेला लेके लाख रुपए का रेंट पे, तो वो तो देखो बिल्कुल शौक पूरे करने उसके तो फिर खर्चा बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि मेहनत करें वहाँ नर्सिंग की जॉब मिल जाए तो 4 लाख रुपए महीना सैलरी आपकी है। हाँ, और 3 लाख से ऊपर बचा भी सकते हो 3 लाख रुपये आप। हाँ ओके, पैसे अच्छे बच जाते हैं नो डाउट, मतलब खूब माला माल है फिर तो। फिर अपने चलो मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि यहाँ गलत हो रहा है, पर अब ये जो यहाँ प्राइवेट्स में आपको कुछ नहीं, ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन सैलरी आपको किसी भी विदेश की अच्छी डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हो नर्सेज को नो डाउट अच्छी मिलती है, अच्छी सैलरी। और इनमें मैं कहूँगा अगर काफ़ी कंट्रीज में कंपेयर करो तो ऑस्ट्रेलिया वेजेस के मामले में कनाडा से भी ऊपर है। अब उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई है, मिनिमम कोई भी आप काम कर रहे हो, अब अगर एक स्टूडेंट वीज़ा पे 12वीं करके बच्चा जा रहा है, पहले उसको $21 समथिंग कम से कम देने होते थे, उससे कम दे नहीं सकते हो आप जी, अब वो $23 हो गया, $2 भी मायने रखता है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल ये है कि मान लिया जैसे ये MSc नर्सिंग जो बच्चे वहाँ कर रहे हैं उसकी फ़ीस कितनी है लगभग? फीस सर 15 लाख के अराउंड नर्सिंग की फीस है ये। अच्छा, ये BSc और MSc? BSc हो MSc हो 15 लाख के अराउंड नर्सिंग की फीस होती है। अच्छा ठीक है, और जो यहाँ से GNM कर लेते हैं वो वहाँ फिर कैसे जाएं? अब जो यहाँ से GNM जिसने कर रखी है उनके पास इंडिया में एक ऑप्शन होता है पोस्ट बेसिक का, 2 साल का कोर्स हो जाता है वो, सेम ऑप्शन उनके पास वहाँ पे भी है। वहाँ ऐसा है कि अगर मैंने यहाँ GNM की हुई है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ BSc करने, मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँगा, यूनिवर्सिटी वाले शुरू में मेरे को 3 साल का बताएंगे, फिर वहाँ क्या क्रेडिट मिलते हैं आपको, आप जो आपने पहले पढ़ाई कर रखी है आप वो शो करके आपका ड्यूरेशन कम कर सकते हो। मैं मेरी ड्यूरेशन दिखाता हूँ, मैंने GNM करी है तो उसके बाद आपका 2 साल का भी हो सकता है, या BS एक बैचलर ऑफ नर्सिंग ग्रेजुएट एंट्री भी नाम से कोर्स होता है। बाकी डिटेल तो जैसे वेबसाइट पर जाके आप उन यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग यूनिवर्सिटी में 2 साल की नर्सिंग करो CSE ने। देखो इंग्लिश का तो अगर आपने नर्सिंग करनी है ऑस्ट्रेलिया में तो इंग्लिश तो आपको 7 ही चाहिएगी, और फीस 15 लाख कोई भी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, चाहे आप वहाँ डिप्लोमा भी कर रहे हैं बच्चे उनकी भी। ये 15 लाख साल की है 6 महीने की है? साल की सर, साल की, एक हाँ, साल की। है। लेकिन भरनी आपको शुरू में सिर्फ 6 महीने की होती है, 6 महीने की। यहाँ अगर आप यहाँ से भी कोई बच्चा BSc नर्सिंग या मास्टर्स करने जा रहा है यहाँ 6 महीने की भरेगा, आपको COE आएगी, फिर आप आगे प्रोसीड करोगे। अच्छा, वहाँ BDS का क्या स्कोप है? BDS का सर मास्टर्स आप करने जा सकते हो, और दूसरा ऑप्शन आपके पास टेस्ट का होता है, जैसे अभी मैंने आपको नर्सिंग का टेस्ट बताया था, ऐसे ही आपको वहाँ BDS का भी टेस्ट। यदि यहाँ BDS करके वहाँ नौकरी लेना चाहे तो टेस्ट देने पड़ेंगे। हाँ, टेस्ट देने पड़ेंगे। और MDS करना चाहे तो वहाँ पढ़ाई का फिर स्टडी वीजा उसका स्टडी वीजा लग जाता है। जी 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 ठीक है। और BDS का सैलरी वैलरी स्कोप ठीक ठाक है, नौकरियाँ मिल जाती सर? काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, मेरे वर्ग के तो अगर दांत वहाँ खराब हो जाए मैं तो वहाँ निकलवाऊँ ही नहीं। अच्छा हाँ, थोड़े से चेकअप, कुछ एक दांत निकालना उसके 25,000 रुपये ले लें, जो 1,000 रुपये में काम हो जाए। वहाँ जितने तनख्वाह अगर मेडिकल प्रोफेशन में देखें जो डेंटल वाले लेते हैं वो नो डाउट आप कंपेयर और उससे कर ही सकते हो। ओके हाँ, काफ़ी ज़्यादा पैसे लेते हैं। और जॉब भी ठीक ठाक मिल जाती हैं? बढ़िया बढ़िया मिल जाती हैं जी। ठीक है, इसके अलावा एक पैरामेडिकल के बारे में डिमांड आई है कि पैरामेडिकल के बारे में थोड़ी डिटेल से बता दें। पैरामेडिकल अपने यहाँ उसका मैं कहूँगा मायना क्या पता लग हो, वहाँ पैरामेडिक्स का मतलब होता है सर जो आपको, अगर आप, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ जो मेरे को लेने आते हैं वो पैरामेडिक्स वाले होते हैं। वहाँ मैंने अपने वाले, मैं तो जैसे हॉस्पिटल में हम करते हैं तो हम तो उनसे रूबरू होते हैं, बहुत कम देखे हैं इंडियंस, मोस्टली ऑस्ट्रेलियन है वो आप, लेकिन हाँ वो पैरामेडिक्स की आप स्टडी कर सकते हो। ओके, आप स्टडी करो, जॉब अच्छी है और पैसा भी अच्छा है। पैसा भी अच्छा है। ठीक है, उसका कितना खर्चा है? लगभग सेम ही रहता है? सेम ही रहता है। आप कोई भी स्टडी करोगे, नॉर्मल स्टडी है जो जी ऑस्ट्रेलिया में, आप 15 से 20 के बीच का साल की फीस होती है जी। अच्छा, एक केयर होम का वहाँ अच्छा बताया काम मिल जाता है, उसका किस तरह से मिलता है? क्या उसका भी कोई कोर्स है और या उसमें वेतन कितना का रहता है? उसमें अब लगा लो, उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई इंग्लिश का स्कोर हो। 3 महीने का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट 3, एज केयर एंड डिसेबिलिटी सपोर्ट, जैसे आप वो करते हो उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। तो ये कौन कर सकते हैं? जो बच्चे वहाँ कोई भी कर ले आप, बस आपको थोड़ा देखो पढ़ना लिखना तो आना चाहिए,
हैं, कोई भी कर सकता है। जो बच्चे जैसे वहाँ कोई आईटी का कोर्स करने गए हैं वो भी कर सकते हैं। कोई मैं कहूँ अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब लगा लो मास्टर्स करने कोई चला जाता है, मास्टर ऑफ नर्सिंग या मास्टर ऑफ आईटी कोई भी, अब अगर वो मैरिड है उसके जो पार्टनर साथ में है, जाते ही स्टडी करने वाला स्टडी करेगा, नॉर्मली क्या होता है करने वाला कोई और छोटा मोटा कोर्स करके, जैसे ये कोर्स है आपका, ये कोर्स करके जी आप आगे कर सकते हो, ये वाला आपका जॉब कर सकता है वो जी। दोबारा बताना उस कोर्स का नाम आपने बताया था, सर्टिफिकेट 3 एज केयर एंड डिसेबिलिटी सपोर्ट। अच्छा, और ये 3 महीने का ही रहता है? 3 महीने का होता है और आपकी फीस आपकी $1,500 से $1,800, ये कॉलेज टू कॉलेज फर्क पड़ता है। और करते ही जॉब उसको मिल जाती है? बहुत ईजी। तो कितना वेतन मिलता है उनको फिर एज केयर में? ये जो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि आपको $30 से $35 मिलता है, जो कि अभी इंक्रीज हो गया है, 15% इंक्रीज हो जाएगा अभी 1 जुलाई से जी। एज केयर में जो भी काम कर रहा था उसकी तनख्वाह 15% बढ़ गई है जी। तो मान लीजिए किसी बच्चे के प्लस टू में 60% नंबर हैं, प्लस टू मेडिकल से की है, तो वो वहाँ इस वीज़ा इसके नर्सिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, वीज़ा मिल जाएगा उनको? 60 वाले का थोड़ा मुश्किल होगा, 65% वहाँ ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, पहले आपके टॉप 4 बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स में 65% होना चाहिए जी। 60% वाले का थोड़ा टफ है उसमें, मुश्किल है। और मेडिकल के लिए आप मेडिकल का कोई कोर्स करना चाहो, आईलेट या पीटी में 7 का स्कोर होना चाहिए नर्सिंग में। मेडिकल लाइन से कोई भी हो, मेडिकल लाइन जो अच्छे हैं, जैसे अब एक आप बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस कर लेते हो, उसके आपको स्कोर का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा कम स्कोर में चल जाता है उसमें काम जी। अच्छा, मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ प्लस टू कर ली मेडिकल से, उसके बाद उसने बीएससी कर ली यहाँ पर, और क्या फिर वो वहाँ नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग में? हाँ जी बिल्कुल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे। एक यहाँ बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही थी एक लड़की, पिछले 7 साल से बैंक में काम करती थी, आज वो मास्टर ऑफ नर्सिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया में। मैं इसको कहते हैं मास्टर ऑफ नर्सिंग ग्रेजुएट एंट्री। जब आप किसी और प्रोफेशन या किसी और फील्ड से हो और आपको नर्सिंग पढ़नी ऑस्ट्रेलिया में तो लग जाता है सर। लेकिन उनका जैसे बैकग्राउंड मेडिकल लाइन का नहीं होता तो वीज़ा वो कोर्स बनाए उनके लिए गया है जिनका बैकग्राउंड। अब ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बात ये है, अब मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, वहाँ लोग प्रोफेशन चेंज करते हुए सोचते नहीं है। वहाँ देखो सर सीधी बात है, उनको मेन उनको लाइफ एंजॉय करनी होती है, जिस दिन उनका मन भर गया इस काम से वो दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। ओके, असीम, तो जैसे अपने यहाँ भी जो बच्चे जाते हैं वो एडमिशन तो किसी कोर्स में लेते हैं, वहाँ जाते ही कोर्स चेंज कर लेते हैं, उनका क्या आगे उनको नुकसान होता है पीआर मिलने में, उनकी जो नंबरिंग कम होती है क्या उससे? अब उसमें मैं ये कहूँगा पहले तो जाके देखना चाहिए कि वो पढ़ सकते हैं या नहीं, वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अब दूसरा वहाँ जाकर अब अगर आप क्या पता किसी गलत कोर्स में एडमिशन ले लो जिसकी आगे पीआर का भी स्कोप नहीं होता है, या जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है वो भी नहीं मिलता है, वो आपको सब मैं कहूँगा एक जो रजिस्टर्ड एजेंट होता है, मारा एजेंट कहते हैं उसको, वहाँ उससे बात करके वो उससे सलाह मशवरा करके उससे ही बाद में आगे पढ़ना चाहिए। आजकल किस फील्ड के पीआर ज़्यादा लग रहे हैं वहाँ? प्रेजेंटली तो नर्सिंग तो देखो चल ही रहा है शुरू से। अब आपको मैं बताऊं तो और जो छोटे छोटे अपने जो ट्रेड कोर्सेज है ना सर, उनका भी अच्छा डिमांड चल रहा है। ट्रेड कोर्स जैसे कि? ट्रेड कोर्स जैसे लगा लो पेंटिंग हो गया जी, डीजल मैकेनिक हो गया, ऑटोमोटिव वाला हो गया, जो अपने यहाँ लगा लो आईटीआई में जो कोर्स करवाए जाते हैं जी उनके, और पीआर तो लगी रहा है उसमें, साथ में कमाई भी अच्छी होती है। कमाई भी अच्छी होती है ठीक। अब जैसे कोई प्लम्बर आपने घर पर बुला लिया, आपसे वो प्लम्बर 10,000 क्या पता 15,000 रुपये ले जाए 20 मिनट के। ओके ठीक है, यानी कि इनके ट्रेड कोर्सों की अच्छी डिमांड है। हाँ जी। और इसके अलावा ये बताओ फार्मासिस्ट जो यहाँ से जिन्होंने फार्मासिस्ट का कोर्स कर रखा है और वो वहाँ फिर जाना चाहिए, उनके लिए क्या स्कोप है? उनके लिए सर एक यहाँ टेस्ट, वहाँ टेस्ट होता है कैप्स नाम से होता है, या तो वो टेस्ट हो या वहाँ पे आप स्टडी भी करते हो तो भी इतना इजी प्रोसेस नहीं है। यहाँ मान लिया बी फार्मेसी कर ली किसी, हाँ, बी फार्मेसी कर लिया, डी फार्मेसी होता है, हाँ, डी फार्मेसी की बात, तो आपको बैचलर ही करने जाना पड़ेगा। ओके, अगर आपने बी फार्मेसी कर लिया तो आप वहाँ स्टडी करोगे, आप स्टडी के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो करोगे। और ये सीन होता है एम फार्मेसी मतलब वहाँ एडमिशन एक किस्म से, हाँ, तो स्कोप है इसका भी? हाँ जी स्कोप तो है, मेडिकल प्रोफेशन जो भी हॉस्पिटल में लगा लो जो अगर है उन चीज़ों का हर चीज़ का स्कोप है। बाकी है। मैं ये कहूँगा कि अगर करने कोई जाता भी है, क्या पता आज वो इस वीडियो को देख रहा है अगले साल डेढ़ साल बाद करने जाता है, क्या पता क्या चेंज हो जाए। ऑस्ट्रेलिया चेंज चलता रहता है, ऑस्ट्रेलिया चेंज चलता रहता है, हर 6 महीने कुछ ना कुछ बदलता रहता है।
एलटी का लैब टेक्नीशियन का किस तरह क्या स्कोप है? लैब टेक्नीशियन का सर मैं कहूँगा कोई करे तो वहीं से करे। ओके, वहाँ है अच्छा स्कोप है, आपके लैब्स होती हैं, आप जैसे छोटा मोटा डिप्लोमा हो गया या सर्टिफिकेट हो गया वो आप वहाँ से आप करते हो, फिर आप वहाँ पे, मेरे एक कज़न है वो वहाँ पे अपने जॉब कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन का ही, अच्छा चलता। और वेतन नर्सिंग के इक्वल मिल जाता है ठीक उनको? हाँ ठीक मिल जाता है, नर्सिंग के इक्वल तो क्या पता ना भी मिले पर अच्छा मिल जाता है मैं कहूँगा जी। अच्छा, हॉस्पिटल में जो जनरल असिस्टेंट होते हैं उनके लिए मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे? जनरल असिस्टेंट में आप जो, आप मेरे से नर्सिंग होम वाला पूछ रहे थे ना कि नर्सिंग होम का 3 महीने का कोर्स है, मैंने बताया आपको जनरल असिस्टेंट का वो सेम वही चीज़ है। अच्छा, मैंने अगर वो 3 महीने वाला कोर्स कर लिया है तो मैं हॉस्पिटल में जनरल असिस्टेंट वाले जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ जी। और वहाँ वो बच्चे जाके कर सकते हैं? हाँ, वो कोई भी कर सकता है उसको? कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें एक और बात थी कि अगर मैं बैचलर ऑफ नर्सिंग ऑस्ट्रेलिया से कर रहा हूँ, मैंने पहले जो 1 साल में जो मैंने पढ़ाई की है उसके बाद मेरे को वो कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं वो करना चाहता हूँ मेरी नर्सिंग की पढ़ाई के ऊपर ही मेरे को वो जॉब मिल जाती है जी। और ये DMLT BMLT ये जो आपकी मेडिकल लाइन में होता है इनका बताओ किस तरह है इसकी भी? इसका ये जो लैब टेक्नीशियन की जैसे भाई हम बात कर रहे थे वो सेम ही चीज़ है। अच्छा, ये सेम चीज़ है। हाँ ओके, तो इनका कोर्स करें तो वहीं से जाकर? वहीं से जाके। ठीक है, कुछ बच्चों को ये कहना है कि BAMS के बारे में पता किया जाए, वहाँ BAMS का भी कुछ स्कोप है क्या? सर BAMS का इतना नहीं है अभी, अभी मैं जो जिन कज़न की मैं बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे अब लैब टेक्नीशियन कर रहे हैं उन्होंने BAMS किया हुआ था। ठीक है, अपनी यहीं से, अभी इतना नहीं है। ओके, वहाँ योगा का है नो डाउट, नेचुरोपैथी वगैरह का है, पर हार्ड है सब, इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। यहाँ से योगा का कोर्स करने वहाँ एडमिशन हो जाता है? नहीं नहीं होता, अपने योगा तो यहाँ सीखने आते लोग वहाँ। अच्छा, तो योगा में फिर कैसा स्कोप है और जॉब कैसे मिले वहाँ पर? मान लो यहाँ कोई अच्छा स्टूडेंट है, इंटरनेशनल कोई मेडल उसने जीत रखा है योगा कंपटीशन में, और नेशनल का भी कोई मेडल है, उसने योगा में मास्टर डिग्री कर रखी है, आजकल यूनिवर्सिटीज़ में PG डिप्लोमा भी है योगा में, उनको क्या जॉब का? डायरेक्ट जॉब का इतना ईजी प्रोसेस नहीं होगा, मैं सिर्फ तुम आपको मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा उसका, पर ऐसा है कि वहाँ जो हम देखते हैं रास्ते में या लोगों का सेंटर्स होते हैं योगा सेंटर्स, वहाँ वो योगा सिखाते हैं अच्छे अच्छे अपने, मोस्टली मैंने देखा है काफ़ी इंडियंस ही होते हैं जो सिखाते हैं, जो सिखाते हैं। हाँ ओके, या अगर तो कभी पता किया किस बेस पे पहुँचे हैं वहाँ पर योगाचार्य वो? सर एक दिन बस मैं जाने वाला था योगा क्लास में, किस्मत नहीं थी, वरना चलो इस बार जाके पता करें। हाँ, इसके अगली बार योगा के बारे में भी थोड़ा पता करेंगे। बिल्कुल पता करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे MBBS के बारे में, क्योंकि यहाँ MBBS अपने इंडिया में बहुत महंगी हो गई है, 80 लाख 1 करोड़ तक में बच्चे MBBS करें, तो वहाँ से यदि कोई बच्चा MBBS करना चाहे कितना आसान कितना मुश्किल? अगर आप देखो MBBS करोड़ की है यहाँ पे, लगभग 5 साल का कोर्स है जी, तो 20-25 लाख फीस है, 20 लाख तो कम से कम लगा लो, 15 लगा लो साल की, वहाँ सर साल की 35 लाख रुपए फीस है। ओ, यानी यहाँ से महंगी है। हाँ, और जो टेस्ट है वो पहले टेस्ट देने पड़ते हैं, गैमसेट नाम से एक टेस्ट होता है जी, वो टेस्ट क्लियर करोगे फिर जाके होगा। वहाँ जो ऑस्ट्रेलियन है उन्हीं के अंदर ही काफी कॉम्पिटिशन होता है। ओके, ये जो मैंने फीस बताई है 35 लाख, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर है। अच्छा, इंटरनेशनल स्टूडेंट की हमेशा हर जगह किसी भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ के नागरिक से ज़्यादा फीस होती है। ज़्यादा फीस होती है, यानी कि ये मान के चलें MBBS वहाँ ज़्यादा टफ है। हाँ, पढ़ाई भी टफ है शायद उसकी? पढ़ाई भी काफ़ी टाइम लगती है सर, 7-8 साल लग जाते हैं। जी जी जी, ये मेरे को एक इंटरव्यू में भी दूसरे में बताया था किसी साथी ने कि ऑस्ट्रेलिया में आप MBBS करना चाहते हैं तो भूल जाएं, क्योंकि बहुत तेल निकाल देते हैं इस तरह से, है ना, काफ़ी मतलब पढ़ाई भी टफ है और फीस महंगी भी है। महंगी भी है, पर सर देखो जो अच्छी चीज़ होती है ना उसमें तो ऐसे ही होता है। फिर उनकी तनख्वाह मैं आपको बताऊं तो एक अगर न्यूरो वाला कोई डॉक्टर है जी, वो 15 मिनट के 25,000 रुपये लेगा। अच्छा, जैसे 25,000 रुपये लेगा। अगर कोई एज केयर में कोई डॉक्टर जा रहा है वो एक पेशेंट को देखने के 2,500 रुपये लेगा, एक पेशेंट को देखने में कितना देर लगेगी। तनख्वाह देखो, फिर वो पूरा रस निकालेंगे तो फिर भरेंगे भी। बिल्कुल। चलो, नर्सिंग से रिलेटेड आप कुछ और जानकारी देना चाहते हो कुछ? यही है, मैं तो ये कहूँगा कि
अच्छे कॉलेज से यहाँ से पढ़ें और अच्छे जगह पे वहाँ पे एडमिशन लें जी। और अगर और भी कोई इशू आता है तो वो जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं वो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं जी। आपका कोई आप मेल आईडी या कुछ? हाँ नहीं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हो दुहन सचिन नाम से डालोगे, या आप यूट्यूब पे भी मेरा नाम डालो सचिन दुहन। मैं काफ़ी अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। जब मैं गया था सर मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, उसका दुख था, दुख भी था और मेरे को घाटे भी कई हुए थे, तो मैंने सोचा था कि जो मेरे को घाटा हुआ था वो लोगों का ना हो, तो मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ ऐसे जी। बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी और लोगों को जागरूक करने के लिए आप ये चैनल चला रहे, ये काम करिए, इसके लिए भी आपको साधुवाद। थैंक यू सो मच सर। चलो ये थे हमारे साथ सचिन दोहन, गांव चैनेत जिला हिसार हरियाणा में है और अभी ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में है, नर्स की वहाँ जॉब कर रहे हैं, इनकी मिसिज भी नर्स की जॉब कर रही है। विस्तार से इन्होंने नर्सिंग के बारे में जानकारी दी है। आपका कोई और सवाल बाकी इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब सचिन जी से मुलाकात होगी तब फिर इंटरव्यू करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार।